डर मतलब फियर एक बहुत ही सामान्य चीज है जो समय समय पर सबको महसूस होती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि अपनी इस घबराहट पर काबू कैसे पाए, वो हमेशा घबराए हुए से बस अपने आप में ही सिमटे हुए रहते हैं। उनके लिए लाइफ यानी कि जिंदगी एक सजा की तरह होती है और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। डर, घबराहट, फियर और एनेक्सिटी, ये सब एक ही चीज़ें हैं। डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आता है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और शरीर की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। जैसे ही हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो शरीर अपनी अलग प्रतिक्रियाएं देती है। यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने डर को कैसे दूर करें। जैसे आपके हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और कभी कभी चक्कर भी आ जाना, इन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ हमारी मानसिक हालात भी कमजोर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और हमें ऐसी स्थितियों से बचने के लिए भाग लेना चाहिए, मतलब उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ऐसी भावनाओं को ही हम लोग डर करते हैं, इसलिए हम ऐसी चीज़ों से, लोगों से और मुसीबतों से हमेशा अपने आप को बचाना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में हम अपने अंदर के डर को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दरअसल जो है ना, डर जो है एक कल्पना होती है, इसकी वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसके नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। फियर, यह इज फियर, एफ फॉर फॉल्स एविडेंस अपीलिंग रियल। बहुत सारे लोगों को ऊंचाई का डर होता है, बहुत सारे लोगों को परीक्षा का डर होता है, बहुत सारे लोगों को भविष्य का डर होता है, बहुत सारे लोगों को मौत का डर होता है, अंधेरे से डर होता है, अपने शत्रुओं से डर लगता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का भी डर सताता है, भीड़ से भी डर होता है, स्टेज पर जाकर बोलने का भी डर होता है लोगों के अंदर, लोगों के बीच में जो है बैठना और उनके सामने सामना करने का भी इंसानों को डर होता है। पत्नी को संतुष्ट न कर पाने का भी डर होता है, आसमानी बिजली अपने ऊपर गिरने का भी डर होता है, असफलता का भी डर होता है। गाइस, आपको किस तरह का डर होता है और हम इन सभी तरह के डर को अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम कुछ जानने वाले हैं। तो गाइस, थोड़ा सा तो बाकी रह गया है, आप लोग देख ही लेना वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अब हम चलते हैं कि कैसे हम लोग डर को दूर कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण से, महात्मा बुद्ध का कहना ये है कि हम सभी प्राणी भय या चिंता की गहरी भावना को महसूस करते हैं। हमारे दिमाग जो होते हैं हमें डरावनी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें हम सच मानते हैं और फिर हम भागते हैं और फिर छिप जाते हैं और अपने ही आत्मा का विनाश करते हैं। डर के कारण को दूर करने की हिम्मत करना आपको शुरू करना चाहिए। जी हाँ गाइस, जब भी हमें डर लगता है तो हम उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जनरली तो होता ही है, जिसके बारे में सोच सोच कर हमारा मन परेशान होता है और दिल धक धक करना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया तो आपको इस तरह की जो है स्थितियाँ पैदा हो जाती है, लेकिन डर के कारण को दूर करने का जो है हिम्मत आपको स्टार्ट करना चाहिए। मतलब किसी से भी आपको झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका मन कभी भी भयभीत नहीं होगा, कभी मन परेशान नहीं होगा, कभी आपको गिल्ट फील नहीं होएगा और इस वजह से जो है आपको डर नहीं लगेगा। दूसरा जो पॉइंट है गाइस, यहाँ पे जो है हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहना चाहिए। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मन के डर को कैसे दूर भगाएं, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंकर बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक आपको सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ दो तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हम अच्छा सोचते हैं या फिर हम सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, हम बीच का कुछ भी सोचते ही नहीं है। लेकिन आपको हमेशा से ये सोचना होगा कि हमें पॉजिटिव ही सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव को और नेगेटिव दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा होता है पेसिमिस्टिक। तो आपको हमेशा भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए।
तीसरा जो पॉइंट है गाइस, यहाँ पे जो है डर का सामना करने की कोशिश करना चाहिए आपको। जैसे जिस चीज़ का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। यकीन मानिए आप जिस चीज़ को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि 90% डर जो होता है वो काल्पनिक होता है। जी हाँ गाइस, इसका जो है रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। आप उस चीज़ के सामने जाइए, उस चीज़ का सामना कीजिए, इससे आपका डर खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। मौत की सच्चाई को समझे। जी हाँ गाइस, कुछ लोग हर चीज़ के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ये जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है। यार एक बात बताओ, आप लोग ही बताओ, नीचे कमेंट करके बताना, आज तक कोई भी यहाँ परमानेंटली रहने के लिए आया है क्या? नहीं आया ना, तो फिर आपको मौत का किस बात का डर है? आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, आप इनके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अपनी जगह बदल कर डर को कैसे दूर करें? जी हाँ गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली 10 साल या 20 साल या 30 साल या मतलब बहुत टाइम से एक ही जगह पे रहते हैं। इसकी वजह से भी हमें उस चीज़ों के बारे में जो है ज़्यादा पता चलती है और हमें हमारे अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है। और तो और अगर वो कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वो डर अपने अंदर जो है डर को महसूस करते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपनी जगहों को बदलना स्टार्ट करना सीखिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी तरह का फेयर नहीं होगा। आपको, जी हाँ गाइस, आपको अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा। आपको अपनी ताकत पर भरोसा होगा तो आपको डर का कोई भी इनसिक्योरिटी फील नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ों का सामना आसानी से कर पाएंगे। सो गाइस, आपको अपनी ताकतों पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करना है। और तो और आपके अच्छे मित्र और अच्छे संबंध बनाएं। जैसे अगर आपके पास कोई भी आपको मिलते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर्स मिलते हैं या कोई भी आपके रिलेटिव्स मिलते हैं, तो उनसे कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा संबंध बनाएं, अच्छे मित्र बनाएं, जिसकी वजह से भी आपका डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आप सही आहार लें। इससे होगा क्या कि जब आप सही आहार लोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है सही होएगा और आपके जो है शरीर में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर आपका डर अपने आप ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ डर के बारे में बताया। आज के डर से हमें कैसे बचना है, इस चीज़ के बारे में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना नीचे कमेंट करके। फिलहाल वही आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।